शांति। आज है महोत्सव। कौन सा महोत्सव? नवरात्रि, माँ देवियों का नवरात्र महोत्सव। और आज नवरात्र महोत्सव का प्रारंभ का प्रथम दिवस है, जिसे घट स्थापना का दिन भी कहा जाता है। तो सभी नवरात्र महोत्सव मनाने वाले देवियों के भाविक भक्तों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बधाई और मुबारक हो। अच्छा, सुनते हैं आज की तारीख 26/9/22 का मुख्य सार, जो परमपिता परमात्मा ने अपनी आध्यात्मिक मुरली के द्वारा सुनाया। तो मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, रूहानी बाप ने ये रुद्र यज्ञ रचा है। इस यज्ञ के रक्षक तुम ब्राह्मण हो, तुम गायन लायक बनते हो, लेकिन अपनी पूजा नहीं करा सकते हो। भले गायन लायक हैं, परंतु हम पूजनीय नहीं कहला सकते, इसीलिए हम अपनी पूजा भी नहीं करा सकते। प्रश्न है, तुम बच्चों में जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी तो उस समय की स्थिति क्या होगी? उत्तर है, उस समय तुम्हारी स्थिति अचल और अडोल होगी। किसी भी प्रकार के माया के तूफान हिला नहीं सकेंगे। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। अभी तक ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा न होने के कारण माया के तूफान, स्वप्न आदि आदि आते रहते हैं। ये युद्ध का मैदान है। नई नई आशाएं प्रकट हो जाएंगी, परंतु तुम्हें उनसे डरना नहीं है। बाप से श्रीमत ले आगे बढ़ते रहना है। गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु। नंबर 1, मुरली रोज जरूर पढ़नी। माया के तूफानों से डरना नहीं है। किसी भी प्रकार के धोखे से बचने के लिए क्या करते रहना है? श्रीमत लेते रहना है। नंबर 2, पढ़ाई और योग दोनों इकट्ठा है, इसलिए पढ़ाने वाले बाप को याद करना है, निश्चय बुद्धि बनना और बनाना है। बाप का ही परिचय सबको देना है। वरदान सतगुरु बाबा का, अकाल तख्त पर बैठकर कर्मेंद्रियों से सदा श्रेष्ठ कर्म कराने वाले कर्म योगी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि कर्म योगी वह है जो अकाल तख्त नशीन अर्थात स्वराज्य अधिकारी और बाप के वर्षे के राज्य भाग्य अधिकारी हैं, जो सदा अकाल तख्त पर बैठकर कर्म करते हैं। उनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि सभी कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर पर रहती है। अगर कोई तख्त पर ठीक न हो तो लॉ ऑर्डर चल नहीं सकता। तो तख्त नशीन आत्मा सदा यथार्थ कर्म और यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल खाने वाली
होती है, उसे खुशी भी मिलती है तो शक्ति भी मिलती है। स्लोगन है, ब्रह्मा बाप के प्यारे वह हैं जिनको ब्राह्मण कल्चर से प्यार है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।